महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरलमय हो और देश के निवासियों में खुशी और शांति लाने वाला हो। देश मजबूत हो, देश की ताकत बढ़े और एक बार भारत फिर से विश्व गुरु बने। आज नवरात्रि के अवसर पर मैं यही माता दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। नवरात्रि के अवसर पर हिंदू महासभा भवन में जो मंदिर है उसमें माता की मूर्ति का, शेरों वाली माता की मूर्ति का आज प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भव्य माता की चौकी का आयोजन किया गया और भंडारा का आयोजन किया गया। आज मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और चौकी आज इसलिए रखा गया कि माता से आह्वान किया गया कि देश को मजबूत करें, देशवासियों को मजबूत करें, हिंदुओं को ताकत दें और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बने और एक बार फिर से पूरी दुनिया का विश्व गुरु बने। देशवासियों से हम ये यही आह्वान करेंगे कि नवरात्रि के अवसर माता का पूजन करें, माता का आह्वान करें, माता से प्रार्थना करें कि आपका भी कल्याण हो सके, देश का भी कल्याण हो सके और पूरी दुनिया की मानवता का कल्याण हो सके। मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका अखिल भारत हिंदू महासभा की रही। अखिल भारत हिंदू महासभा पर मुकदमा किया गया, हिंदू महासभा के नेताओं पर, कि रामलला जो प्रकट हुए वो हिंदू महासभा के नेताओं ने वहाँ पर रख दी रामलला की मूर्ति, उनको जेल में डाला गया। हिंदू महासभा नेताओं की मुसलमानों द्वारा हत्या की गई। हिंदू महासभा फिर फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा जीता, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मुकदमा जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीता और हिंदू महासभा के साथ कई संगठन थे जो कि राम मंदिर के निर्माण संबंधी मुकदमे में सहयोगी की भूमिका में थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया ट्रस्ट बनाने का, तो ट्रस्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के किसी एक भी आदमी को नहीं रखा गया और भी जो संगठन इस आंदोलन में लगे थे बरसों से उसको भी पूछा नहीं गया और उन्होंने अपने स्वयं क्रेडिट लेने के लिए वो खुद अपने भाजपा और आरएसएस के नेताओं को ट्रस्ट में शामिल कर दिया। निमंत्रण भी उन्होंने बहुत गिन चुन के दिया हिंदू महासभा और जो सहयोगी संगठन आंदोलन में थे राम निर्माण के आंदोलन में, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। तो एक ये मैसेज वो अयोध्या में भी गया और दूसरे क्षेत्रों में भी गया कि ये राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति के लिए इन्होंने सबको किनारे किया जो कि मंदिर निर्माण के लिए लड़ रहा था। दूसरी बात है कि वहाँ पर कांग्रेस और सपा जैसी जो पार्टियाँ थी वो जात पात की राजनीति कर रही थी, जातीय राजनीति कर रही थी, तो वो हिंदुओं में जाति के आधार पर विभाजन का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया और उसमें वो सफल रहा। तो ये जो हिंदुओं में विभाजन हुआ और जो हिंदूवादी लोगों का तिरस्कार हुआ भाजपा के द्वारा, ये दो मुद्दे थे जिसके कारण अयोध्या में भी हारा और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हारा और भाजपा की पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। यही दो मुद्दे थे और अगर ये भाजपा नहीं चेती हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठनों को, पार्टियों को अगर अपने साथ नहीं करेगा, उसका सम्मान नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा को दिक्कत होगा और जो अगला चुनाव होगा उसमें भाजपा को फिर से सत्ता में आने में मुश्किलें पैदा होगी। देशवासियों को और अपने हिंदू महासभाइयों को माता के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आए हुए सभी उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, नहीं सारे विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ हिंद, हिंदू और हिंदुत्व के प्रति सजग रहने के लिए प्रयासरत करता हूं। यही हमारा वादा है। जय हिंद,
जय भारत। शर्मा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को, अपने सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये भगवान की असीम कृपा है कि हमारे इस हिंदू महासभा परिसर में सबसे पहले भगवान श्री राम जी की स्थापना हुई, उसके बाद शिव परिवार की स्थापना हुई, फिर भगवान श्री कृष्ण जी आए और अब माता जी भी आ गई हैं। सौभाग्य का दिन, अखिल भारत हिंदू महासभा सुपावन मंच, सुपावन मंदिर में माँ दुर्गा पूजा प्राण प्रतिष्ठा आज भव्य उच्चारण के साथ, मंत्रों के चार वेदोक्त के साथ में किया गया।